सजल तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है यार, प्लीज मेरी बात का यकीन करो। बचपन से जानती हूँ मैं तुम्हें, शहीर को बेवकूफ बना सकती हूँ लेकिन मुझे नहीं। बचपन में भी तुम इसी तरह मेरी और अम्मी की शिकायतें लगाती थी ना अब्बू को, यही मासूम शक्ल बना के। लेकिन अब ये सब कुछ नहीं चल सकता। शहीर वो गुस्से में है, उसे जरूर कोई गलत फहमी हुई है। I know, तुम टेंशन मत लो। लेकिन एक बिहेव किस तरह कर रही है? ये बचपन से इसी तरह ओवर रिएक्ट करती है, अक्सर तो गुस्से में बर्तन भी तोड़ दिया करती थी। अब जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना तो खुद ही सेट हो। Anyways, ये सेट दे दो मुझे, मैं लॉकर में रख देता हूँ, इधर उधर हो जाए। थैंक यू सो मच, मुझे नेकलेस बहुत पसंद है। लेकिन अब कुछ देर तो और पहनने थे, मुझे अभी नहीं उतारना इसे। बाद में पहन लेना, वैसे भी अब तो थोड़े दिन रह गए तुम्हारे सजने से वरने। ठीक है। अरे मैं कर लेता हूँ, डोंट वरी, इट्स ऑलराइट। थैंक यू। यू आर वेलकम। मैं स्टडी में जा रहा हूँ, कुछ काम है मुझे, तुम सो जाओ। शहीर आप यहाँ इस कमरे में क्यों नहीं रह सकते मेरे साथ? तुम जानती हो मुझे सिर्फ अपने कमरे में नहीं आती। तो फिर मुझे भी अपने साथ अपने कमरे में ले जाए, वैसे भी तो मैं यहाँ पे अकेली पड़ी हुई हूँ। पड़ी नहीं रहती, हमारी आने वाली खुशियों का ख्याल रख रही है। और सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना मना है ना तुम्हें, यू नो दैट। मैं रिस्क नहीं ले सकता। क्या हुआ? मुझे नहीं और अकेले इस कमरे में रहना, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपके साथ टाइम गुजारना चाहती हूँ। ऐसा लगता है जैसे जैसे इस चार दीवारी में मुझे कैद कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा।